गाइस, आपका मेरे अनदर वीडियो पे स्वागत है। तो आज मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, मैं आज कुछ स्किन केयर समथिंग नहीं शो करना चाहूँगी। सो मैं आज करना चाह रही थी आपके साथ ऐसा लाइक प्रोडक्ट शेयर जिसको आप घर पे किसी भी तरीके से अपने भाई को एज अ गिफ्ट मिठाई के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप घर पर इसे लाइक कोरोना टाइम पर आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। सो आप इस कोरोना टाइम पर घर पर बना हुआ अपना मिठाई का गिफ्ट अपने भाई को देंगे तो इससे अच्छा गिफ्ट आई थिंक सो कि कुछ हो सकता है। सो मैं आपको शो करना चाहूँगी इस गिफ्ट्स गुलाब जामुन। सो इसमें कुछ लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें कैसे कैसे किया जाता है जो कि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो बनाया है इसका कि इजीली तरीके से घर पे अवेलेबल चीज़ों से जस्ट आपको लेना है ये और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपके घर पे ऑलवेज अवेलेबल होगी ही। सो मैं आपको फर्स्ट बता दूँ इसमें लगी मुझे शुगर मिल्क वाटर एंड समथिंग लाइक दैट जो मैं आपको शो कर दूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें ही लगेगी। सो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डायरेक्ट इसका डेमो दूंगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैंने बनाया है इस गुलाब जामुन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको ज़्यादा से वीडियो हेल्पफुल है एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम एक परात या फिर एक प्लेट में लेंगे ये ग्लिट्स का हमारा आटा। सो मैं इस पैकेट को खोल लूँगी और जैसे कि ग्लिट्स के पैकेट में लिखा है कि आप एक कप दूध या फिर पानी यूज़ करें। सो आप देख सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग आप वाटर लें। मुझे एक कप से थोड़ा सा लाइक कम लगा था लेकिन बाद में फिर मैंने जब लोई बनानी स्टार्ट की तो वो एक कप में ही बदल ही गया। सो आप एक कप के आसपास का दूध लें। सो चलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे आटा गूंदा है। सो आप देख सकते हैं ये आटा काफी चिपचिपा सा नहीं होता है। और इसमें कोई भी नाइट्रोजन या फिर कोई भी ऐसी बैड प्रोडक्ट नहीं है। सो लास्ट में मेरा आटा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको आटा गूंद दिया है जो गुलाब जामुन का था और आपको इस तरीके से इस साइज में आप इससे बड़ी साइज बना सकते हैं। आपको बना लेनी है लोई। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं लोई बनाने के लिए या फिर आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बना लिया क्योंकि आई थिंक इसमें वैसे ही पहले जो था घी तो आप इस तरीके से बना लें। तो चलो हम आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे लोई बनाई है। सो मैंने एक हाथ से उसे अपने लिया पाम में और देन मैं दो हाथों से उसे अच्छे से लोई बना ली। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी लोई बना लें। काफ़ी इजी बिगिनर पीस से गुलाब जामुन घर पर ही बना सकते हैं। तो हम लेंगे 1 कप पानी एंड 2 कप शक्कर। सो हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी बनाना काफ़ी इजी है, आप अपने मम्मा से भी पूछ सकते हैं। तो मैंने 1 कप पानी एंड 2 कप शक्कर को अच्छे से धीमी आंच में इसे अच्छे से पकने दिया। सो नेक्स्ट मैं अब करूँगी अपने उस लोई को, उस गुलाब जामुन वाली लोई को फ्राई। तो आप देख सकते हैं लगभग मेरी चाशनी बन चुकी है। सो हम ऑयल को कर लेंगे गर्म। सो मैंने यहाँ पे चेक किया है सम छोटे छोटे क्यूब्स डाल के। सो अब मैं डालूँगी माय 1 लोई ऑफ गुलाब जामुन। सो मैंने 1 लोई डाल दी है। सो मैं 1 लोई को करूँगी टेस्ट कि ये अच्छे से फ्राई हो पाती है या नहीं। बड़े बड़े शेफ्स भी पहले टेस्ट करना पसंद करते हैं। सो अगर आप अच्छे से टेस्ट करें कि आपकी लोई पक रही है या नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा मत समझिए कि आप छोटे बन चुके हैं। सो इस तरीके से मैं बाकी लोई भी डाल दूँगी मेरे गुलाब जामुन की। तो मैंने बाकी लोई को भी ब्राउनी कलर मैंने दिया है। जैसे कि आप गुलाब जामुन का बचपन से कलर जानते होंगे कि ये ब्राउनिश टाइप का होता है। सो मैंने ब्राउन कलर डाल दिया है।
सॉरी ब्राउन कलर ले आए हैं। तो इस तरीके से मैंने सब लाइक गुलाब जामुन डाल दिए हैं अपने चाशमीन में, आप देख सकते हैं। ओ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ बड़े साइज का गुलाब जामुन बनाया है, सो इट्स लुक टेस्टी एंड अब मैं इसे करूंगी टेस्ट। सो आफ्टर 3 to 4 hours इसके अंदर पूरा जो आपका लाइक चाशनी होता है वो पेनेट्रेट हो जाता है, लाइक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि आफ्टर 3 to 4 hours आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा गुलाब जामुन वॉज रेडी। सो अगर आपको इस तरीके से मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।